नमस्ते, हम एक्सेल इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हैं, रोबोटिक्स रिसर्च स्टूडेंट्स। डॉक्टर वसीकरण से मिलने की अपॉइंटमेंट ली है हमने। प्लीज कम इन। अरे यार, मस्त हाइपर बोला है। हाँ, एक्सक्यूज मी, आप? आई एम डॉक्टर वसीकरण असिस्टेंट। ओह, योर नेम? नीला। ब्यूटीफुल, थैंक्स। नीला, नीला, व्हाट? नीला पानी, आसमान भी नीला। तो तोड़ू या डूब जाओ? रिंगटोन है। कैन आई हैव योर नंबर? 1143879। लुक व्हाट ही इज। अंदर लो, जुबान लटक रही है। हाय। डॉक्टर, हम मैकेट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं। आपने एक नया ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है, प्रोफेसर मित्रा ने बताया। क्या हम उसे देख सकते हैं? श्योर। ये है मेरा बनाया हुआ रोबोट, प्रोजेक्ट नीला। नाइस, इंटेलिजेंट, लवली असिस्टेंट। ह्यूमनॉइड X12 2018 मॉडल, क्वांटम कोर मिलेनिया, X12 5D एक्सट्रीम प्रोसेसर, अनलिमिटेड क्लाउड मेमोरी एंड 1 terahertz स्पीड, बिल्ट इन सिम्युलेटेड अमिग्डाला। ये है नीला का MPU, मेमोरी एंड पावर यूनिट, जैसे कि हमारा दिल। सिंथेटिक स्किन, MPU। तू उड़ेगा या डूबेगा? और वो फोन नंबर? My IMEI number। तो ये भी चिट्टी जैसा है क्या डॉक्टर? नहीं, ये असीमोव के नियमों के अनुसार बनाया गया डोमेस्टिक पर्पस रोबोट है। ये एक सेक्रेटरी, फ्रेंड या केयर टेकर बनकर हर तरह से लोगों की मदद करेगी। क्या इसमें फीलिंग्स भी है डॉक्टर? है ना, प्री प्रोग्राम्ड, कस्टमाइजेबल, कंट्रोल्ड फीलिंग्स। चिट्टी कभी वापस आ सकता है क्या डॉक्टर? साइंस के हर आविष्कार को पहले डेंजरस समझा गया। शुरू में लोगों ने खूब जमकर उसका विरोध भी किया, लेकिन जरूरत पड़ने पर लोगों ने उसे अपना भी लिया। चिट्टी की भी एक दिन जरूरत पड़ेगी। डॉट। हे निकिता, गुरु हेल्प। डूब गया। यार निकिता, बात तो सुन लो। मैं तो बस साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से फ्लर्ट कर रहा था। वो रोबोट ही ऑब्वियस नहीं था क्या?